भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को भाजपा सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। शिमला में भी इस अवसर पर रिज मैदान पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, महापौर नगर निगम शिमला सुरेंद्र चौहान, पार्षदगण, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रदेशवासियों की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। कार्यक्रम में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने देशभक्ति गीत और भजन गायन की प्रस्तुति दी। माखन गज में एक चुरा रे, एक बेर फिल्मी के खा रे। माखन गज में एक चुरा रे, एक बेर फिल्मी के खा रे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के है हार्दिक स्वागत है। प्रदेशवासियों की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी। भारत रत्न की, राज्यपाल महोदय जी के सचिव श्री राजेश शर्मा जी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अन्य पार्षदगण, माननीय अतिथि श्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न बिहारी, इस मौके पर जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन की प्रतिमूर्ति थे। अटल बिहारी वाजपेयी अपने समय से आगे की सोच रखते थे। अटल जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर आज भाजपा सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण सुनिश्चित करने का कार्य कर रही है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म तिथि है और स्वाभाविक रूप से हम सभी हिमाचल वासी उनको, उनके स्नेह के लिए जो हिमाचल के प्रति हमेशा रहा, स्मरण करते हैं, कभी भूल नहीं सकते हैं। और अटल जी का हिमाचल के साथ जिस प्रकार का रिश्ता रहा है, यहाँ तक के जब वो प्रधानमंत्री भी रहे तब भी 4 दिन 5 दिन का समय निकाल करके मनाली आना, रुकना, और जब प्रधानमंत्री नहीं वो करते थे तब तो आते ही थे, 1 हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए आते थे, कविताएं सुनाते थे, कविताएं लिखते थे, और हिमाचल के साथ बहुत ही इस प्रकार का एक घर का जैसा रिश्ता वो उन्होंने सदैव, जिसका जिक्र भी किया, अगर हिमाचल आता हूं तो मुझे ये हिमाचल मेरा अपना घर है। और उनका हिमाचल के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा, विकास की दृष्टि से देश के लिए भी बहुत बड़ा योगदान रहा ही रहा। और ख़ास तौर से अटल टनल रोहतांग उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के लिए है। और आज वो नेशनल लेवल पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और लाहौल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा भी है। उस दृष्टि से ये वही अटल जी थे जिन्होंने परमाणु विस्फोट करके
अमेरिका को भी चौंका दिया था और दबाव में भारत कभी नहीं रहेगा इस बात का संदेश उन्होंने बहुत मजबूती के साथ उस वक्त दिया, जब अमेरिका के सामने कोई हिम्मत हौसला नहीं कर पाते थे कुछ करने के कुछ कहने की। कारगिल युद्ध जैसी एक परिस्थिति हमारे सामने आई जिसका उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, और उस वक्त भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत डालने की कोशिशें हुई, अमेरिका ने मध्यस्थता के लिए बात कही लेकिन उन्होंने सिरे से खारिज किया। और इसके अतिरिक्त हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए, चाहे वो इंडस्ट्रियल पैकेज की बात है, अटल जी की देन है, इसलिए उनके इस योगदान को हमेशा हम याद करते हैं और वो कविताओं के लिए तो हमेशा जाने जाते हैं, जो उनका संग्रह है उसमें उनकी कई तरह की प्रस्तुति इस प्रकार की हैं जो आज भी दिल को छूती हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, ऐसी कविताएं उनकी जिनको आज भी लोग याद करते हैं। आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनके योगदान को हम सब लोग स्मरण करते हैं, और ख़ासतौर से हिमाचल प्रदेश की अगर बात आती तो हिमाचल उनको दिल से प्यार करता रहा और वो हिमाचल को दिल से प्यार करते रहे।